आज छत्तीसगढ़ के ऐसे गांव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां के खून में उबाल है, देशभक्ति के लिए अपने जान निछावर करने का जज्बा है। यहां के बच्चे बच्चे देशभक्ति की गीते गाते हैं। देश आज आजादी का 78वां वर्ष मना रहा है। जब आप छत्तीसगढ़ के देवादा गांव की कहानी देखेंगे तब आप ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आज़ादी के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। इस गांव के भी लगभग 14 लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, महीनों जेल में रहे थे। पहला नाम आपको दिखाइए, द्वारिका प्रसाद दुबे, अहम नाम है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। चुंगू प्रसाद वर्मा, रामाधीन दुबे, रामेश्वर प्रसाद वर्मा और ऐसे कुल ये 14 नाम हैं जिन्होंने इस गांव को आज़ाद कराने के लिए और महात्मा गांधी के जो योजनाएं होती थी, जो वो सोचते थे, उसे इस गांव पे लागू करते थे और लोगों से संपर्क करते थे ताकि किसी भी कदर अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाए। और इनकी पूरी कहानी जो है वो आप विस्तार न्यूज़ के माध्यम से आज देखने वाले। नमस्कार, मेरा नाम रोहित मिश्रा है और आज कहानी देवादा गांव की है। देवादा गांव का ये वो स्थल है जहां पर आंदोलन के लिए रूपरेखा सेनानी बनाते थे और आज के समय पे भी तमाम लोग यहां पर बैठकी करते हैं, बैठकी कर अभी तो हालचाल जानते हैं। ये चबूतरा है, यही से पहले बैठते थे और जो है जैसे क्या बोलते हैं आज की डेट में आपका लिमिटिंग बोलते हैं, यही सब यहाँ होते क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, देखिए ये सब। स्थल है जयस्तम चौक है जहां पर इस पूरे क्षेत्र में पहली बार सन 1947 पे झंडा रोहण किया गया था और जो सेनानी यहां के थे उनके याद पर इसे जयस्तम चौक का नाम दिया गया है। और यहीं से अंग्रेजी हुकूमत के कुआइने जो हैं वो लोग यहां से तमाम सेनानियों को गिरफ्तार भी किए थे। प्रणाम भैया, रामलाल जी का घर यही है? अच्छा, सही घर पे पहुंचे। जी जी जी। कैसा था पहले का? पहले मिट्टी का था, 2-3 साल हुआ है बना। कौन थे आपके परिवार से? दादा पिताजी चुंगूलाल जी, चुंगूराम जी वर्मा, मेरे दादाजी रामलाल जी वर्मा और मेरे दादाजी के भाई लखनलाल जी वर्मा। यहाँ इस घर से 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है, ये बैठिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, निकले हैं और आज़ादी की लड़ाई पे इन्होंने भी अंग्रेजों से लोहा लिया था। स्वर्गीय श्री चुंगू राम जी वर्मा, ये रामलाल जी वर्मा जेल गए थे, एक साथ जेल गए थे। देखते हैं आज़ादी स्वतंत्रता कैसे, फ्रीडम फाइटर का परिवार कैसे मनाता है स्वतंत्रता। हम लोग, हाँ, हम जब दादाजी थे, दादाजी और दादाजी के पूरा मतलब देखे हैं, वो यहाँ जगह करते थे, रामलाल वर्मा जी के बेटे हैं उनसे बातचीत करते हैं। माँ जी ये बताइए, पिताजी जब जाते होंगे तो आप लोग तो देखते रहे होंगे ना? जब यहाँ सब अंग्रेज लोग आए थे गांव में तो ये लोग सब इकट्ठे हुए, यहाँ चौक है वहाँ पर सब ये सब पाटन गए, सब इकट्ठे किए, सब इतना कार्यकर्ता है सबको, फिर उसके बाद पकड़ के उनको जेल ले गए रायपुर सेंट्रल जेल, वहाँ था 9 महीना। उसके बाद 9 महीने के बाद आए थे, लोग बहुत हिम्मती आदमी थे, काम भी लोग बहुत चाहते थे, वहाँ की सुरक्षा करने का काम था, अंग्रेजों से बहुत सुरक्षा की है। आपके मन डर रहा कब लगा ऐसा कि पिताजी की? ऐसा तो कोई दुर्घटना तो नहीं है, घटना तो नहीं है ऐसे, लेकिन प्रेम से सबको रखते थे ऐसे, तो प्रेम करता था बैठे से आज। कभी ऐसा हुआ है कि अंग्रेज लोग मुड़ते हुए उनको यहाँ घर तक आ गए? हाँ, गांव आए थे ऐसे, घर तक तो नहीं आए थे, गांव पहुँचे थे ऐसे, वे लोग सैनिक बन के गए थे वहाँ से, पूरा इकट्ठा किए नौजवानों को,
मीरप था ऐसा, क्रांतिकारी था ऐसा, क्रांतिकारी में इसको नाम था ऐसा। ये लोग वहाँ दिल्ली भी गए थे ऐसा, वहाँ आंदोलन में, सब भारत छोड़ो आंदोलन में। ससुर जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कितना गर्व महसूस करते हैं उस बात को जब सुन लिया। बहुत गर्व महसूस होता है स्वतंत्रता सेनानी, इसलिए हम लोग को बहुत गर्व है, अब अभी भी है। हम उस परिवार के बहू हैं, इसलिए हम अपना अपने को बहुत गर्व महसूस करते हैं। कितने महीने जेल रहे थे? वो पहले गए तो एक बार 9 महीने गए थे और एक बार 6 महीने, 2 बार गए। हाँ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वो 9 महीने थे, फिर बाद और गए तो 6 महीने थे, 2 बार जेल गए थे। अंडा जब फहराते हैं आप लोग तो याद करते होंगे, कैसे याद? वो पूरा बता के गए ना, अपने पोतों को, बेटा को बता के गए हैं कि इस चीज़ को पूरा माने पीढ़ी दर पीढ़ी इसको कायम रखना, ऐसा कर बता गए हैं। हम लोग यहाँ झंडा लगाते हैं, फहराते हैं। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है और आपने ससुर जी को भी देखा है, अब अगर देश में जंग हुई तो क्या अपने बेटों को भेजेंगे लड़ने? बिल्कुल बिल्कुल भेजेंगे। एक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामाधीन दुबे के घर पर हम हैं और ये अभी स्वरूप तो बदल गया है, पहले मिट्टी का घर था अब पक्का मकान बन गया है, लेकिन आज भी उनको याद किया जाता है। ये वो सेनानी हैं जो पहले सरकारी नौकरी में थे और सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने और अंग्रेजों के सामने आज़ादी की लड़ाई पर लड़ते नजर आए। छत्तीसगढ़ के एक और वीर सपूत जिसने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था, रामेश्वर वर्मा, उनके घर पर इस वक्त मौजूद हूं मैं। उनका घर दिखाता हूं, घर कैसा है, कैसी परिस्थितियों के बीच में उनका परिवार रह रहा है और क्या उनका कहना है। तो ये तस्वीर देखिए, ये रामेश्वर वर्मा जी का घर है और घर का स्वरूप कुछ पुराने जैसा ही आपको दिखाई देगा और बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रूपरेखा भी तैयार की गई थी और उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ जब लड़ाई हुई थी उस लड़ाई में सबसे आगे खड़े होकर ये कहा था कि मैं आगे जाऊँगा। ऐसा लगता है जब आप लोग वो यप्पल याद करते हैं, वो क्षण याद करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। आप लोग का 15 अगस्त कैसे? बहुत अच्छा लगता है, उसके यादगार में महसूस होता है। और घर की तस्वीर देखिए, घर का स्वरूप तो नहीं बदला है, उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बेहतर हो जाए घर पर। हाँ, बेहतर हम अभी ऐसी है अभी। देवादा गांव की ये वो गलियां हैं जहां पर देशभक्ति की गीत आज भी गाई जाती है। यहां से निकले जो तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई और जब यहाँ पर अंग्रेज भारत छोड़ो के आंदोलन चल रहे थे तब ये वही गलियाँ हैं जहाँ पर नई नई रूपरेखा तैयार होती थी और इस गलियों से एक काफिला निकलता था और वो काफिला जाकर लोगों को जागरूक करता था। लोगों के घर पे न्यूज़पेपर बांटे जाते थे, पोस्टर्स बांटे जाते थे ताकि आज़ादी की लड़ाई पर उनको भी जो है वो शामिल कर दिया जाए। तो देखिए, ये गलियों का इतिहास बहुत अमर है और यहाँ की गाथाएं अमर है और फिलहाल यहाँ के ग्रामीण परिवेश में कुछ तो तस्वीर बदली है, लेकिन आज भी लोग जब उनको याद करते हैं, उनकी कहानियाँ किससे याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दादाजी तो 1942 में गए थे। क्या हुआ? उस दिन तो बहुत तकलीफ में थे, वातावरण आज़ादी के लिए उन लोग मतलब अपने आप में समर्पित कर दिए कि चाहे कुछ हो जाए हम लोग मतलब अपने प्राण निछावर कर देंगे लेकिन उसे पीछे नहीं छोड़ेंगे। कर वो बताते थे कि हम लोग बहुत तकलीफ मिलता था वहाँ जेल में, उसके बावजूद भी हम लोग मतलब कभी भी हिम्मत नहीं हारे, चाहे प्राण निकल जाए लेकिन हम लोग मतलब वो मतलब स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए मतलब प्राण निछावर कर देंगे लेकिन नहीं छोड़ेंगे। जब उनको जेल में लेकर गया ले जाया गया तो उस समय घर की स्थिति कैसी थी? अब पिताजी थे तो वो भी मतलब कम उम्र का था, दादाजी तो अब जेल में चले गए थे तो पिताजी ही मतलब वातावरण को थमा कर गए थे, वो भी तय नहीं स्थिति था उस समय, बहुत नाजुक स्थिति था, इसलिए संकट खड़ा हो जाता था, बहुत संकट खड़ा हो जाता था उस समय। तो क्या कोई सा
कोई मतलब व्यवस्था नहीं था, खेती बाड़ी का किस न पानी का साधन था, कुछ नहीं था, केवल ऊपर वाले ऊपर प्रकृति पर निर्भर थे, जो भी खेती बाड़ी थी उसी मतलब जीवन में पालन करते थे। बताते थे यहाँ गए तो बहुत कष्ट होता था वहाँ, और हमारे परिवार को छोड़ के आए तो हमको भी याद आता है वहाँ का। और बताते थे हमारे ससुर जी गए थे तो हम लोग दुखी थे, बच के आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसे करके हम लोगों को लगता था हमारे पिताजी गए हैं तो वहाँ से बच के आएंगे, इतनी आएंगे, लेकिन देश के लिए तो नाम होगा उसका यहाँ से गए हैं तो। जब उनको जेल में लेके गए, ले जाया गया, तब किस तरह की स्थिति, क्योंकि 9-10 महीने लगभग जेल में थे वो। वैसे लेकिन कैसे करके चलाए, लेकिन हमारे देश के लिए तो मर मिटेंगे, ऐसे करके हम लोग को अच्छा भी लगता था, एक मन में दुखी भी लगता था, तो हम लोग को भी गर्व होता है कि हमारे परिवार के कोई सदस्य वहाँ तो गए हमारे देश के लिए, हम लोगों की आज़ादी के लिए। नाम चल रहा है उन लोगों का, स्वतंत्रता सेनानी है यहाँ। गांव के लोग तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं ही, लेकिन यहाँ के बच्चों के खून में भी उबाल है, और वो भी आर्मी में जाकर देश सेवा करने के लिए तैयार हैं। क्या बनने वाले हो, क्या बनना चाहते हो? फौज। क्यों जाना है फौज? पाकिस्तान वाले मतलब माने। क्यों पाकिस्तान? हमारे देश की झंडा गिराना चाहते, लेकिन हम बचाना चाहते। आप क्या बनना चाहते? आर्मी बनना चाहते। भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय, वंदे भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की वंदे। देवादा जैसे गांवों से जब आजाद भारत की तस्वीर निकली थी, परिकल्पना की थी, जिसके बाद ये स्वरूप बड़ा हुआ और आज हमारा देश आजाद हो पाया। एक शायरी के साथ खत्म करता हूँ, चलो झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, और खुश नसीब है वो जिनका खून देश के काम आता है। विस्तार न्यूज़ भी ऐसे वीरों को सलाम करता है, और मेरे कैमरा पर्सन किशोर गोस्वामी के साथ रोहित मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जल्द मिलेंगे एक नए गांव की कहानी के साथ में।